उम्र लगे हैं और इनको नैना निकाल रही है नैना, है ना ना बिस्कुट अकेले बिस्कुट। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो अच्छे से धूप लगी हुई है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों अभी मैंने खाना बना दिया है और कान्हा चले गई है स्कूल और आज हमारे दौला के खेतों में हल लग रही है तो माँ खेत में गई है। तो मैं घर के सभी कामकाज जल्दी से निपटाती हूँ और तब चलती हूँ गौशाला, गौशाला जाने का टाइम भी हो गया है। अभी निपटा दिए हैं मैंने घर के सभी कामकाज और यहाँ पर मेरे हाथ में है केले के पत्ते, इनको ले जा रही हूँ मैं गौशाला। तो अभी गौशाला जा रही हूँ भैंस को अंदर बांधने। तो मैं अभी गौशाला के कामकाज निपटा के जा रही हूँ घर और अभी हमने घास के लिए जाना है तो मैं गौशाला से दरांती और रस्सी भी लेके जा रही हूँ। दोस्तों अभी खेत में आ गई हूँ मैं न्यार काटने और यहाँ पर माँ भी काट रही है न्यार। तो बाकी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो जल्दी जल्दी घास न्यार काटते हैं। तो हमने घास काट लिया है, माँ तो चली गई है घास की भारी लेके गौशाला और मैं जा रही हूँ घर सोयाबीन की भारी लेके, जिनको हम गढ़वाली में भट बोलते हैं। तो अभी मैंने घर आके सोयाबीन छत पर फैला दिए हैं और अब भात बनाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी विकू पहुँच चुका है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, है ना ना बिस्कुट अकेले दिन दे बिस्कुट ट्रेन। तो अभी माँ यहाँ पर चावल साफ कर रही है और मुझे जाना है धारा कपड़े धोने, तो मैं धारा चलती हूँ। और यहाँ पर जेरी भी पहुँच चुका है। ए जेरी, जेरी जेरी, हेलो हेलो। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं धारे से कपड़े धोके और माँ ने भात भी बना लिया है तो अब बस भात खाने की तैयारी है। तो दोस्तों शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और अपने गांव से धूप भी जा चुकी है तो अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो मैंने खेत में आके घास भी काट लिया है और अब चलती हूँ भारी लेके गौशाला। तो दोस्तों आजकल खेतों में बहुत सारी दालों की बेलें हैं, बोले तो लगले हैं और लगलों में मैं इतनी ज़्यादा गिर रही हूँ क्या ही बोले। तो अभी मैंने भारी उधर पर बिछा दी है, वहाँ पर रखी हुई है मैंने भारी और अब भी अपने दूसरे खेत में आ गई हूँ और यहाँ पर माँ न्यार बांध रही है, पेड़ पर लगाना है न्यार। तो मैं यहाँ पर सोयाबीन निकाल रही हूँ। तो हमने न्यार भी लगा दिया है। तो हमने पकी हुई लोबिया की दाल भी निकाली। तो बाकी मैं चलती हूँ अभी घर और माँ अभी घास काट रही है और अंधेरा भी होने वाला है तो माँ घास लेके जाएगी गौशाला और मैं चलती हूँ घर की ओर। तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ और मुझ पर बहुत सारे कुम्मर लगे हैं और इनको नैना निकाल रही है नैना। तो दोस्तों अभी अंधेरा भी हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में और यहाँ इसको देखिए। तो अभी चलते हैं। ओहो, ताली बजा भाई।
खाने नहीं होन। तो दोस्तों हम बर्थडे पार्टी से घर आ गए हैं और हम सबको ना गिफ्ट भी मिले और काना अभी गिफ्ट ओपन कर रही है अपना। तो ये गिफ्ट मिला काना को और मुझे ये मिला। तो सब गर्ल्स को ऐसे क्लेचर मिले क्लिप्स और बॉयज को बॉल मिली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव हूँ उत्तराखंड।